हाय, मैं सिराज गेस्ट हाउस से बात कर रहा हूँ। और ये हमारे जो फ्रेंड्स आए थे जयपुर से, इन्होंने स्टे किया था इधर, हमें बहुत अच्छा लगा इनके साथ। ये हम इनका बहुत वेलकम करेंगे जब ये फिर से आएंगे विंटर में, हमेशा वेलकम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ जो चार्जेस है वो सीज़न टू सीज़न चेंज होते रहते हैं। जैसे समर में अलग चार्जेस होते हैं, विंटर में अलग चार्जेस होते हैं, क्योंकि विंटर में हम फैसिलिटेट करते हैं सेंट्रल हीटिंग सिस्टम एंड ऑल दैट। और समर में यहाँ मैं कहूँगा फैंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ से आगे से घर के आगे से झरना जाता है पानी का। और विंटर में जो रहेगा पूरा अपना हीटिंग सिस्टम रहता है, और वी प्रोवाइड एवरीथिंग लाइक ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच। बुलाओ बेटा। यहाँ पे मैं अपने शहीद भाई के साथ रहा, मेरी पूरी फैमिली विद वन ऑफ माय फ्रेंड। हमने यहाँ पे रात भर स्टे किया, और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिली ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे कश्मीर में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप जब भी गुलमर्ग में आए तो यहाँ पे मैं आपको इस गेस्ट हाउस का एड्रेस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिए। और यहाँ की जो वादियाँ हैं उनका आप भरपूर आनंद लीजिए। मैं भी आपको पूरा डिटेल में यहाँ दिखाता हूँ कि किस तरह के यहाँ के रूम्स हैं, किस तरह के यहाँ की फैसिलिटीज़ हैं, वो सब मैं आपको यहाँ डिटेल में दिखाता हूँ। सिराज गेस्ट हाउस है, हम लोग यहाँ कल रात को आए थे और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। बिल्कुल फैमिलियर एनवायरनमेंट है यहाँ पर। मैं फैमिली के हिसाब से आपको ये आप रिकमेंड करोगे इसको? बहुत 100% सेफ है, और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ जो गेस्ट हाउस है ये बिल्कुल फैमिलियर है, यहाँ के लोग बहुत फैमिलियर हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अगर टेंगमर्ग आएँ, गुलमर्ग आएँ, तो यहाँ टेंगमर्ग है, गुलमर्ग से 6-7-8 किलोमीटर पहले, यहीं आके रुके। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी कश्मीर के बीच, बिल्कुल वादियों के बीच में है ये गेस्ट हाउस, ठीक है? तो आप यहीं आके रुकिएगा, आपको यही रिकमेंड करूँगा। आपको मैं गेस्ट हाउस का एक व्यू दिखाता हूँ। हाँ, चाय तो पियेंगे, मैं तो पीऊँगा भाई। आप देख सकते हैं, मैं आपको अंदर से पूरा एक व्यू दिखाता हूँ गेस्ट हाउस का। ये देखिए आप, यहाँ पे बैठ के आप पूरा बॉन्ड फायर, ये पूरा गार्डन बना हुआ है इनका साइड में। इधर से प्यारी प्यारी झरनों की आवाज़, क्योंकि पीछे से एक झरना जाता है जिसकी आवाज़ कंटिन्यूस आती रहती है, जो ग्लेशियर से पानी पिघल के आता है, वो यहाँ से मेल्ट होता होता इस गेस्ट हाउस के पास से निकलता है। तो इतनी प्यारा यहाँ पे माहौल बनता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखिए, पूरा ग्लेशियर का पानी वहाँ से आ रहा है, आगे तक जा रहा है। यहाँ पे ये पूरा इस गेस्ट हाउस का एक गार्डन है, जहाँ पे आप बैठ के इवनिंग टाइम में बॉन फायर कर सकते हैं। ये प्रॉपर बॉन फायर का एक स्पेस है, यहाँ पे अपने अपनी फैमिली के साथ में बैठ के बॉन फायर कर सकते हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके हमें। आगे का वीडियो पूरा अंदर का मेरी वाइफ आपको दिखाएगी। बिल्कुल कश्मीर की वादियों के बीच में बसा हुआ है ये गेस्ट हाउस, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा यहीं आके रुकें। नाम है सिराज गेस्ट हाउस, टेंगमर्ग, गुलमर्ग से जस्ट 6 किलोमीटर पहले है, तो यहीं आके रुकिएगा। और वीरेंद्र जी, मेरे लिए तो द अल्टीमेट प्लेस है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसी जगह पर रुका हूँ, यहाँ पे इतना अच्छा लोगों ने इससे कॉपरेट किया, एकदम फैमिली की तरह। मतलब आपकी फैमिली को ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं होते हैं, आप अपना घर की तरह यहाँ पे फील करेंगे, कम्प्लीटली होम स्टे। थैंक यू। आगे मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए। ये देख सकते हैं, ये पार्किंग स्पेस है यहाँ का, यहाँ पे काफी अच्छा गार्डन बना हुआ है। अच्छा, चलिए। ये आपका घर है? दोनों है, काम करते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये मेरी बहन है यार।
नमस्ते बेटा, बड़ी बहन। अच्छा हम दोनों बहनें हैं, काम भी यहाँ पर करते हैं। अच्छा मैं बहुत प्यारे हूँ, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं। आपको कश्मीर कैसा लगा? बहुत अच्छा, ये मेरी बड़ी बहन माँ जैसी, जेठानी और देवरानी भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तब तो बहुत अच्छा है। कल मिलता है फिर आपको यहाँ पे भी, पियर में भी और यहाँ पे भी। नहीं अच्छा होता है, नहीं ये बनाना है। अच्छा फिलहाल ऐसे ही है, ये बनाना है, ये बड़ा करना है, ये बाकी रूम ऊपर अभी बना नहीं है पूरा। ये अच्छा अच्छा, हम ऊपर चल के आते हैं। हम ऊपर का व्यू देख के आते हैं। वहाँ पे नहीं हुआ है, वहाँ उस मकान में नहीं हुआ है अभी ये काम। अच्छा ऊपर भी यही होगा। अच्छा वुडन वर्क होगा अभी। जी जी, वुडन में सर्दी कम लगती है। हाँ, इसमें सर्दी तो ये खराब नहीं होता वैसे ना, इसको पॉलिश वॉलिश लगा के है ना, ये नहीं खराब होता है। अच्छा सब कमरों में ऐसे ही है, यहाँ पर जितने भी कमरे है काफी अच्छा है। यहाँ रहते हो आप? जी ठीक है। अच्छा एक रूम ये जी, एक एक रूम ये, जो कारपेट लगा रखा है बहुत अच्छे से कि बिल्कुल ठंड ना लगेगी, पूरे घर में कारपेट है। झाड़ू से हो जाता है? इसलिए तो इतना साफ रहता है ना, हम खुद करते हैं। अच्छा है, ये लोग खुद क्लीन करते हैं यहाँ पे। एक रूम ये है, बहुत सुंदर है। दूसरा यहाँ पे है, बहुत सुंदर। नीचे इसको बोलते हैं हमाम। अच्छा कश्मीरी में बोलते हैं हमाम। हमाम अच्छा। हाँ फिर कमरा भी गर्म होता है, पानी भी गर्म होता है। अच्छा पानी अच्छा। भी गर्म होता है। बड़ी मुश्किल आती होगी, होती होगी ना ठंड के अंदर तो? अब है सर्दियों में, सर्दियों में ना, पहले थी पहले दिसंबर। फिर तो विद फैमिली रहते हो आप यहाँ पे? विद फैमिली रहते हो यहाँ पे? जी जी। अच्छा बच्चे? दो बच्चे, उसके बड़े दो मेरे। अच्छा इससे अंदर भी एक कॉटेज और बना हुआ है जिसमें हमने रात को स्टे किया था, वो आपको दिखा देती हूँ। बस चेकआउट करने का टाइम आ गया है हम लोगों का। एक ही रूम ये था, इधर टॉयलेट बाथरूम है, एक ही सेपरेट पोर्शन, एक ही रूम टॉयलेट बाथरूम एंड ये बालकनी जिसमें आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। एंड ये ब्लॉग यहीं स्टॉप करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप जब भी यहाँ गुलमर्ग आएँ तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होती इनसे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको किसने डराया? किसने डराया? पेपर में आया था, पेपर में कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। अब लोग वहाँ से फोन कर रहे हैं, वहाँ के पेपरों में आ रहा है क्या ठीक आ गया? जो भी यहाँ आता है उनसे पूछिए, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं। नहीं यहाँ तो नहीं है, वो बोल रहे हैं जम्मू से ऊपर पहलगाम की तरफ। कोई दिक्कत नहीं, गर्मी की वजह से शाम को जाना है, पहले था अब नहीं, या सुबह सवेरे जाना है वो भी।
अपनी गाड़ी जो है वो अपना पर रखी, वो श्रीनगर में है बारामूला पे फेयर डील टाटा मोटर्स। अच्छा, फेयर डील है श्रीनगर में? बारामपुरा। हाँ, बारामपुरा चौक में, चौक पे ही पर रखा है। और ये गाड़ी कहाँ से लाई? भैया की है ना, दो गाड़ियाँ थी। अच्छा, दो गाड़ियाँ, अब एक ही गाड़ी में जाऊँगी? अब एक ही गाड़ी में। चलो कोई बात नहीं, वो गाड़ी पहुँच जाएगी उधर। उन्होंने बोला या तो आप आ जाना या फिर हम भेज देंगे ड्राइवर यहाँ से। अच्छा अच्छा, हैरियर है तो उसका क्या हुआ, कुछ गियर बॉक्स होता है वो टूट गया। मतलब आप लद्दाख से आ रहे हैं? लद्दाख से। टाइमिंग चेंज के ऊपर उसका बेल्ट आता है ना, उसके ऊपर बेल्ट घूमता है, उसकी गोल गोल गरारी आती है ना, वो अंदर से टूट गई, अंदर वाली भी टूट गई, बाहर का बोल्ट टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा, इतनी भारी गाड़ी है उसके बाद टूट गया। कल पार्ट्स नहीं थे उसके पास, अदरवाइज कल ही हो जाती है। ईद आ गई है, इसके चक्कर में छुट्टी रहेगी तीन चार दिन की। ये डॉ इंजीनियर, वो आर्टिस्ट। मैं आर्टिस्ट नहीं, मैं गर्ल।